एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बड़ा ही शौक था। उसके पास पहले से ही भैंस थी, जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन वह किसान अपने घर में एक खरगोश और बंदर को पाल लिया। काफी समय बीतने के बाद उसने सोचा कि बंदर और खरगोश के साथ एक खेल खेला जाए। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों में किसी एक में वह गाजर डाल दिया और सारे गड्ढों को वह मिट्टी से ढक दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने को कहा। खरगोश को अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर लेकिन दिया। वहीं पर बंदर बड़ा ही नेगेटिव सोच का, आलसी और कामचोर था। उसने सोचा, खेत में तो बहुत ढेर सारे गड्ढे हैं, वो गाजर किसी एक गड्ढे में छुपा कर रखा गया है, मैं कैसे ढूंढूंगा। वो बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। खरगोश ने एक एक करके सारे गड्ढे को देख लिया, उसे गाजर नहीं मिला। वह एक ही गड्ढा बचा था जिस पर बंदर सोया हुआ था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और बंदर को उस गड्ढे के ऊपर से हटने को कहता है। बंदर ज्यों ही उस गड्ढे के ऊपर से हटता है, खरगोश उस गड्ढे को खोदकर गाजर को निकाल लेता है और अपने मालिक को जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर मैं इतनी देर से सो रहा था, उसी के नीचे गाजर छुपा हुआ था। अगर एक बार सिर्फ मैं खोद कर देख लेता तो गाजर मुझे मिल जाता और मैं मालिक को देखकर मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें अपने जीवन में तीन बहुत बड़ी सीख देती है। पहला, कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और एक ही गड्ढे में कहीं गाजर छुपा कर रखा गया है, पता नहीं किस गड्ढे में वह गाजर होगा, और यही सोचकर वह अपने काम को बहुत बड़ा बना दिया। दूसरी सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें जीवन में कोशिश जरूर करना चाहिए। कोशिश अगर करते हैं तो किस्मत भी हमारी साथ देती है। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया था वहीं से वह खोदना शुरू करता तो गाजर उसे मिल जाता और वह अपने मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया और उसने शुरुआत ही नहीं की। और तीसरी सबसे बड़ी सीख हमको मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें नहीं पता कि हम किस वर्ष में कामयाब होंगे, 2025, 2030, 2032 या 2050 में हमें कामयाबी कब मिलेगी, हमें नहीं पता। लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोच के साथ लगातार कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।